आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज आप यहाँ इस हॉल में हैं, इससे एक बात तय हो जाती है कि आप सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। इसलिए आपने अपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला है। साथियों, हम भाग्यशाली हैं कि आज हमें जितने भी यहाँ आमंत्रित किया है वह हमारा शुभचिंतक है, धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि आज हमें एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। दोस्तों, इस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में एक सक्सेसफुल एंड डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद है। उनको स्टेज पर बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कृपया अपना मोबाइल फोन बंद कर लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिंदगी बनाने वाली इस जानकारी में व्यवधान आए। तो कृपया साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर न करें, कृपया स्विच ऑफ कर लें। यह प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब स्वतः ही मिलता चला जाएगा, लेकिन फिर भी क्लियर ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया नोट कर लें, बीच में न पूछें, लेकिन अंत में जरूर क्लियर करके जाएं। और लास्ट रिक्वेस्ट है कि बीच में न उठें, क्योंकि यह प्रोग्राम लगभग एक घंटा चलेगा। पूरा प्रोग्राम अटेंड करके ही अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा। जो व्यक्ति हमें यह इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वह बहुत ग्रेट और डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और बहुत सफल हैं। अतः आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और आपसे एक सहायता चाहता हूँ कि आप उनका बहुत जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। प्लीज नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर कुंदन कुमार भारद्वाज सर जी। मुख्य एवं महत्वपूर्ण बिंदु प्रेजेंटेशन कोई भी व्यक्ति दे सकता है, बशर्ते कि वह इसकी तैयारी करके ज्यादा प्रेजेंटेशन दे और पढ़कर तैयारी करे। ज्यादा बार प्रेजेंटेशन देने से आप प्लानर बन सकते हैं। आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस से बात करें, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस और जोश से ही लोग आपके साथ आना चाहेंगे। सीधे खड़े होकर आगे मुंह करके खड़े हों। कभी भी भीड़ की तरफ पीठ न करें, ज्यादा जल्दी न बोलें, समझा कर बोलने की कोशिश करें। प्रेजेंटेशन देते समय बिल्कुल सहज रहें, 25% नॉर्मल आवाज से तेज बोलें। प्रेजेंटेशन के बीच में भीड़ से क्लोजर क्वेश्चन जरूर करें, इससे सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा। अपॉर्चुनिटी और पार्टनर कंपनीज को विस्तार से बताना है, प्रोडक्ट को बताना है, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, सिर्फ प्रोडक्ट ही मुख्य बातें बतानी है। प्रेजेंटेशन के बीच में प्रोडक्ट की रेट कभी नहीं बताना है। वह वैगन द सर्किल या फॉलोअप पर बताना चाहिए। प्रेजेंटेशन के बीच में तालियां बजाना आवश्यक है, क्योंकि इनसे माहौल बनता है और लोग एक्साइटेड रहते हैं। प्रथम प्रेजेंटेशन की अपेक्षा द्वितीय प्रेजेंटेशन पर ज्यादा जोर देना है। और द्वितीय प्रेजेंटेशन को विस्तार से समझाना है। प्रथम प्रेजेंटेशन में 20 मिनट, द्वितीय प्रेजेंटेशन में 30 मिनट और टेस्टिमनी और क्लोजिंग में 10 मिनट ही लगने चाहिए। टेन कोर स्टेप्स।
इस सिस्टम में कोर का बहुत महत्व है। जिस प्रकार सूर्यमंडल में सूरज कोर है, जैसे देश में प्रधानमंत्री कोर है, राज्य में मुख्यमंत्री कोर है, जिले में कलेक्टर कोर है, वैसे इसी को लाइफ में भी कोर होता है। जो कोर होता है वही बड़े बड़े चेक लेता है, जो कोर होता है वही डायमंड बनता है, जो कोर होता है वही इस बिजनेस में बड़ी बड़ी रिकॉग्निशन लेता है, जो कोर होता है वही लीडर बनता है। इसलिए एक कहावत है, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। हम इस बिजनेस में बगैर कोर बने सफलता की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कोर बनकर हम बुलंदियों को छू सकते हैं। कि अगर हमारे टॉप लीडर्स कोर नहीं होते तो क्या आज उनका लाखों लोगों का नेटवर्क बनता? शायद नहीं। लेकिन हमारे सभी आदर्श कोर बने, आज वे कि वो दंती बन चुके हैं। अगर आप कोर बनेंगे तो कल आप भी लोगों के एक उदाहरण बनेंगे। नोट एंड फॉलोस 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, 10 कॉल्स एंड 3 प्लान्स पर डे, टेक्स प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी, 100% यूजर, अटेंड ऑल फंक्शन, रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट्स एवरी डे, टीम प्लेयर में 3 स्टेप होते हैं, नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग, एडिफिकेशन। और 9वां स्टेप है ऑलवेज कीप 2 डाटा, हमेशा 2 डाटा फॉर्म रखता हो, कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सिस्टम। ग्रुप मीटिंग, सामूहिक मीटिंग, ग्रुप मीटिंग किसी ग्रुप लीडर द्वारा कंडक्ट की जाती है। ग्रुप मीटिंग का समय, अवधि, क्राइटेरिया आदि कुछ भी निश्चित नहीं होता, सब कुछ आवश्यकता के अनुसार ही तय होता है। यह मीटिंग सामान्यतः ग्रुप लीडर द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, जैसे कंपनी से कोई टारगेट स्कीम आने पर अपने ग्रुप में प्रमोट करने के लिए, ग्रुप के सदस्यों को मोटिवेट करने के लिए कि सिस्टम की बातें जैसे ड्रीम लिस्ट, आमंत्रण, कोर तथा प्लान कैसे लें सिखाने के लिए। मीटिंग लेने के पहले मीटिंग में होने वाली एक्टिविटी को अपलाइन से पूछकर उनकी गाइडलाइन में करना चाहिए। यह मीटिंग आप चाहे तो किसी एसोसिएट के घर पर, किसी होटल के मीटिंग हॉल में जहाँ वातावरण शांत हो, किसी तरह की रोक टोक ना हो, कर सकते हैं। इस मीटिंग को 2-3 अलग अलग ग्रुप के लीडर भी साथ मिलकर कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए सीक्रेट और संस्कार, विषय सूची, एक आदर्श प्रणाली कैसी हो, प्रणाली में अपना रोल समझें, प्रणाली का उपयोग कैसे करें, अपने मन और बुद्धि से पूछें, नेटवर्किंग व्यवसाय के महत्वपूर्ण अंग, कंपनी, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन रोल, नेटवर्किंग में तथापत पड़ोसी की अवधारणा, सेमिनार, फंक्शन, समारोह, टूल्स, किताबें पढ़ने के फायदे, पढ़ने योग्य किताबें, किताबों के लेखक, प्रकाशकों के नाम, वेबसाइट, प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम, स्पॉन्सर, प्रेजेंटर, स्पीकर। अपनी सफलता के लिए विवेक का भी इस्तेमाल करें। बड़ी सफलता के लिए बड़ा संगठन जरूरी है। आदर्श अपलाइन, साप्ताहिक प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मार्गदर्शन, प्रस्तावना, बहुत समय से
किसी एक ऐसी किताब की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसके माध्यम से उन लोगों को भरपूर मदद मिले जो डार्क सेल व्यवसाय को सच्चाई से पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन का मिशन मानकर जुनून के साथ अपनी जीत का सिर्फ एक लक्ष्य सामने रखकर किसी भी कीमत पर सफलता पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी किताब की हमेशा से आवश्यकता है जो सच्चे और निष्ठावान नेटवर्क को नेटवर्किंग की प्रणाली कार्य प्रणाली का सच्चा पाठ सिखाए। एक ऐसी किताब जिसे वह अपनी हर मुश्किल घड़ी में साथ रखे, एक आदर्श और ईमानदार संकट मोचन की तरह। एक ऐसी किताब जिसमें हो हर वो बात जिसे इस नेटवर्किंग में करना हर कीमत पर जरूरी हो और हर वो बात जिसे न करना भी हर कीमत पर जरूरी हो। एक ऐसी किताब जिस पर एक नेटवर्कर अंधा भरोसा कर सके, जो एक व्यक्ति को सफल नेटवर्क बनाए वर्कर बनाए, व्यवसाय की हर बारीकियों को कदम कदम सिखाए। इस प्रणाली को अपनाकर कई लोगों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। मौजूदा प्रणाली को सही तरीके से नए लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले से जुड़े हुए कुछ कर्मठ लोग होते हैं। इन्हीं लोगों में कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक और सफल हो तो ठीक, नहीं तो लोगों को सही मार्गदर्शन मिलने का रास्ता रुक जाता है और हमेशा संभावना रहती है कि इसकी वजह से बहुत कुछ संभावना हमेशा यह रहती है कि नए लोगों को वह प्रणाली न मिले जो सही है। बीच के लोगों के हस्तक्षेप से मौजूदा प्रणाली में फेरबदल की हमेशा संभावना बनी रहती है। लोग प्रणाली की नई बातों को प्रमोट करते हैं जिसे करना उन्हें अच्छा लगता है। जरूरत और परिणाम की उन्हें फिक्र ही नहीं होती। सही प्रणाली के अभाव में कड़ी मेहनत के बावजूद लोग सफलता से कोसों दूर हो सकते हैं जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता। लोगों तक 100% सही प्रणाली पहुंचे, यही इस किताब का मकसद है। क्योंकि अब आपके हाथों में प्रणाली की वे सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें स्वयं अपनाना है और नए आने वाले लोगों को 100% दोहराने में मदद करना है। आवश्यकता पिछले 12 वर्षों का मेरा अनुभव रहा है कि बगैर सिस्टम के प्रणाली के नेटवर्किंग व्यवसाय करना लगभग असंभव है। सिर्फ एक अच्छी कार्य प्रणाली ही इस व्यवसाय को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है और फिट नेटवर्किंग व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक और समय की आजादी बगैर ठोस प्रणाली के सिर्फ एक सपने की ही तरह होगी। आर्थिक और समय की आजादी पाने के लिए ही तो लोग इस व्यवसाय को जुनून की तरह करने को हर दम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस व्यवसाय में ही तो देखने और सुनने का मौका मिलता है कि कैसे किसी आम से दिखने वाले व्यक्ति ने कुछ वर्षों की मेहनत से लोगों का नेटवर्क बनाया जिससे उसे लगातार होने वाली आमदनी हो रही है। साथ ही इस पैसे को खर्च करने के लिए उसके पास समय की भी आज़ादी है। नेटवर्किंग व्यवसाय टीम भावना पर आधारित है जहाँ हजारों लोग साथ मिलकर एक साथ काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे देखते ही देखते लोगों ने नेटवर्किंग के माध्यम से अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम आए दिन इस व्यवसाय में लोगों के जीवन में आए बदलाव को देखते और सुनते हैं। क्या बगैर प्रणाली के लोगों के बड़े बड़े नेटवर्क बनाना संभव है? क्या बगैर प्रणाली के लगातार आने वाली आमदनी बनाई जा सकती है? क्या बगैर प्रणाली के समय की आज़ादी पाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जब एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़ता है तो वह इस व्यवसाय को
कैसे करना है से बिल्कुल अनजान होता है। वह तो सिर्फ अच्छे पैसे कमाने की लालसा से जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ने के बाद उसके साथ क्या घटित होता है, कैसे माहौल मिलता है, कौन सहायता करता है, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, आदि कुछ बातें हैं जिनका सीधा मतलब उसके इस नेटवर्किंग व्यवसाय की सफलता से जुड़ा है। सुनने के बाद क्या दिशा मिलेगी पर ही उसकी दशा टिकी है। यदि दिशा अच्छी होगी तो दशा भी अच्छी होगी। इस किताब के माध्यम से हमें एक सरल स्पष्ट दोहराने जा सकने योग्य सभी के लिए समान रूप से कार्य करने वाली प्रणाली का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रणाली से जुड़कर हर तरह का कार्य करने में उसे अड़चन न हो। हमारा प्रयास है एक ऐसी कार्य प्रणाली की व्याख्या करना जो इस व्यवसाय से जुड़ने वाले हर व्यक्ति के हित में कार्य करे। एक आदर्श प्रणाली जो समझने लायक हो, इस व्यवसाय से जुड़ने वाले हर व्यक्ति के हित में कार्य करे। एक आदर्श प्रणाली कैसी हो, हमारी प्रणाली सरल स्पष्ट दूरदर्शिता पूर्ण सफलता दिलाने वाली दोहराई जा सकने वाली सभी के समझ में आने वाली सभी के लिए समान रूप से कार्य करने वाली जिस पर सब निष्ठा कर सकें पारदर्शी और अनुसरणीय हो। सरल हमारे द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही प्रणाली बिल्कुल ही सरल है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। व्यवसाय से जुड़ने के बाद से ही आपको अब आगे क्या करना है के बारे में आपके स्पॉन्सर के माध्यम से या आपका स्पॉन्सर यदि किसी दूसरे शहर में है तो वेबसाइट के माध्यम से अथवा फोन के माध्यम से दिशा निर्देश मिलने शुरू हो जाते हैं। बस एक व्यक्ति जो इस व्यवसाय से जुड़ चुका है मिलने वाले सरल से दिशा निर्देशों पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें। सीख सीख कर ही आप इस व्यवसाय में अपने आप कामयाब हो सकते हैं। सीखने के लिए आपको भरपूर साधन इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध हैं। स्पॉन्सर के माध्यम से मिलने वाले दिशा निर्देश ऑडियो CD वीडियो CD सुनकर व देखकर कि आपके आसपास होने वाले किसी फंक्शन में शामिल होकर इस व्यवसाय की विभिन्न किताबों को पढ़कर आप बड़ी ही सरलता से इस व्यवसाय को करना सीख सकते हैं। अनुकरणीय इस प्रणाली को अपना कर लोगों ने अद्भुत सफलताएं अर्जित की हैं। प्रगति पथ किताब में वर्णित सफल लोगों की गाथा खुद उन सफल लोगों ने व्यक्त किए हैं जिन्हें आप स्वयं पढ़कर अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। सभी लोगों ने इस प्रणाली को अपना कर अपना नाम सफल लोगों की श्रेणी में दर्ज कराया जो अनुकरणीय है। तीसरा नंबर दूरदर्शिता। इस प्रणाली का संचालन उन व्यक्तियों के माध्यम से किया जा रहा है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस व्यवसाय में अविश्वसनीय सफलताएं अर्जित की हैं, और वे सभी सफल लोग हमेशा इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना भरपूर योगदान देते रहते हैं। हमारी प्रणाली आज के युग के सबसे आधुनिकतम तकनीक को इस्तेमाल में लाकर कर रही है। समय समय पर होने वाले बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर ही कार्य कर रही है। हमारे सभी एग्जीक्यूटिव डायमंड दूरदर्शी हैं, यही वजह है कि हमारी कार्य प्रणाली बाजार में मौजूद प्रणाली से हमेशा बहुत बेहतर है। आज हमें इस विश्वसनीय प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ इस तरह है। आज हम इस विश्वसनीय प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह है।
जुड़ने वाले, नंबर एक जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति की सहायता के लिए वेबसाइट का निर्माण। ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो सीडी का निर्माण, हर एक की सहायता और तरक्की के लिए प्रगति पत्र किताब के माध्यम से काम करने के सही तरीके की जानकारी। लीजेंड्स फॉरएवर फोटो एल्बम के माध्यम से सफल लोगों को प्रदर्शित करना। समय समय पर समारोह के माध्यम से सफल लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाना। सीखना और सिखाना, सफल लोगों को सम्मान दिलाना। सफल लोगों को सम्मान दोहराने योग्य, नया पॉइंट दोहराने योग्य। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़ चुके सफल लोगों को कितनी आसानी से डुप्लीकेट करते हैं। जो करे से दूसरे व्यक्ति भी सरलता से कर सकें। नेटवर्किंग व्यवसाय की सफलता का मापदंड इस बात से तय होता है कि जुड़े हुए लोग जिस प्रणाली में जरूरी, नंबर एक जरूरी करने वाले कार्य, जरूरी न करने वाले कार्य को बताने की व्यवस्था नहीं होगी, वहां बड़ा व्यवसाय कर पाना कठिन होगा। कोई व्यक्ति जितना भी प्रभावशाली और पैसा वाला क्यों न हो, अपने अकेले के बलबूते नेटवर्किंग में सफल नहीं हो सकता। हर प्रणाली आसानी से दोहराई जा सकने वाली प्रणाली है, बस आपको जरूरत है लगातार प्रणाली से जुड़े रहने की।